श्री भगवत गीता के जो उपदेश है वह सारी सृष्टि के समस्याओं को दूर करने में सहायक है, इसलिए हर व्यक्ति को इनका ज्ञान होना चाहिए। पहला उपदेश है, मानव के दुखों का कारण है किसी वस्तु या व्यक्ति को अपना मानना, यही सबके दुखों का कारण है। हद से ज़्यादा लगाव किसी वस्तु से होना या व्यक्ति से होना वह उसके विनाश का कारण भी है, इसलिए किसी से ज़्यादा लगाव ना करें और ज़्यादा अपना ना करें। यहाँ इस संसार में कोई किसी का नहीं है, मतलब जब तक निकलेगा तब तक ही लोग आपको इज्जत और सम्मान देंगे, जहाँ उनका मतलब निकल जाएगा तो आपकी तरफ देखेंगे भी नहीं, इसलिए ज़्यादा किसी को अपना ना मानें। अपने में प्रसन्न रहें और हमेशा ईश्वर का ध्यान करते रहें। दूसरा उपदेश है कि कर्मों का फल तो भोगना ही पड़ेगा, जो जैसा व्यक्ति कर्म करेगा उसको वैसा ही फल मिलेगा, वह अपने बुरे कर्मों के फल से बच नहीं सकता, वह चाहे जितना भी बलवान और शक्तिशाली क्यों ना हो, यह दुनिया गोल है और घूम कर ही उसके बुरे कर्म उसके पास आएंगे और उसका फल भी उसको भोगना पड़ेगा। जैसे हजार गायों के बीच में बछड़ा अपनी माँ को ढूंढ ही लेता है, उसकी प्रकार कर्म भी अपने कर्ता को ढूंढ ही लेता है, इसलिए हमेशा अच्छे कर्मों का ही सृजन करना चाहिए, हमेशा ईश्वर से डरे। तीसरा उपदेश है, आज में जिए, कल की चिंता ना करें, बीता हुआ कल और आने वाला कल इसके बारे में ना सोचें, आज में जिए और वर्तमान का आनंद लें, इसी में आपको सुख की प्राप्ति होगी। चौथा उद्देश्य है, जो आपके साथ अधर्म कर रहा है, पाप कर रहा है, आपको सता रहा है, उसको दंड अवश्य दे, क्योंकि यदि आप उसको दंड नहीं देंगे तो आपको वह जिंदगी भर वह व्यक्ति सताता रहेगा, परेशान करेगा, कभी आपकी इज्जत भी नहीं करेगा, इसलिए उस व्यक्ति को हमेशा उसी की भाषा में जवाब दें। एक बार यदि आपने उसको दंड दे दिया तो दोबारा वह हिम्मत नहीं करेगा कि आपको सताए। पांचवा उद्देश्य, धोखा तो अपने ही देते हैं, इसलिए हमेशा अपने परिवार अपने कुटुंब वालों से भी सतर्क रहें। महाभारत में ठीक इसका उदाहरण है, जैसे पांडवों को कौरवों ने धोखा दिया और उनकी सारी संपत्ति राज ले लिए, इसलिए हमेशा अपने ही धोखा देते हैं, क्योंकि उनको पता होता है आपकी कमजोरियों के बारे में, पराए तो फिर भी ठीक होते हैं, इसलिए हमेशा अपनों से सावधान रहें। छठवां उपदेश है, कोई भी गंदी आदत ना डाले, जैसे कि जुआ, जुए की लत के कारण ही युधिष्ठिर ने अपने भाइयों और पत्नी को दाव पर लगा दिया, इसलिए कभी भी कोई बुरी आदत ना डाले जो आपके विनाश का कारण हो, हमेशा अपनी इंद्रियों को अपने वश में रखें, हमेशा योग की आदत डालें, इससे मन और आपकी इंद्रियां हमेशा आपकी वश में रहेंगी। सातवां उपदेश है, आलसी व्यक्ति जो होता है वह कभी भी कुछ हासिल नहीं कर सकता, क्योंकि वह अपने आलस के कारण आज का कार्य कल पर टालता है, इसलिए वह कभी कुछ हासिल नहीं कर सकता, इसलिए आलस को त्यागिए और हमेशा अपने आज के कार्य को तुरंत करना सीखें, इससे हमेशा सफलता हासिल होगी। जिस इंसान को बात बात पर क्रोध आता है उस इंसान के जीवन से सुख शांति हमेशा के लिए चली जाती है। नौवां उपदेश है, जो व्यक्ति आपका दुख में साथ दे वही आपका अपना है, बाकी तो सब पराए हैं। और दसवां उपदेश है, जो होता है वह अच्छे के लिए होता है,
बार माफ नहीं करना चाहिए। यदि आप उसको बार बार माफ करेंगे तो वह आपकी जिंदगी बर्बाद कर देगा, इसलिए उसको हमेशा दंड दीजिए। झूठे और गलत लोगों के सामने अपनी अच्छाई साबित ना करें। जिंदगी में यदि आप हमेशा सहते रहेंगे तो ये दुनिया वाले एक दिन आपको मिटा ही देंगे, इसलिए हमेशा अपनी लड़ाई लड़ना सीखें। गलत संगति से बचें। जो इंसान दुख में दुखी नहीं होता और सुख में सुखी नहीं होता, वह इंसान इस दुनिया की हर समस्या का समाधान कर देता है। जीवन में हमेशा लड़ाई झगड़े से बचना चाहिए, लेकिन जब बात आपके चरित्र, सम्मान और अधिकार की हो तो लड़ना भी जरूरी हो जाता है। चाहे जितना भी बुरा वक्त आ जाए, हिम्मत मत हारना, क्योंकि मन के हारे हार है और मन के जीते जीत है। इसलिए हमेशा अपने मन को अपने वश में रखें और हमेशा ईश्वर का ध्यान करते रहें। और दोस्तों, यदि हमारी ये वीडियो आप लोगों को पसंद आए हो तो कमेंट में जरूर बताइएगा और लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिए।